बुलाते तो सारा गुनाह जो है हमारे जिम्मे आ जाता है। तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि अगर 5-10 मिनट का फर्क पड़ जाए तो पेशगी माजरत, क्योंकि एक वाहिद चीज है जनाजा जिस पे हम हमेशा टाइम की पाबंदी करते हैं, वरना किसी जगह शादी में फंक्शन में कोई पाबंदी नहीं होती। तो डॉक्टर अजीज साहब बहुत खूबियों के मालिक थे। एक तो इन्होंने 3 नस्लों से, एक मेरे दादा से, वालद साहब से और मुझसे इन्होंने एक रिश्ता निभाया। इंतहाई शफीक थे, औलाद की जो इन्होंने तरबियत की और उन्हें पढ़ाया लिखाया। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 1964 में ये लाहौर थे, ये वहां पे ये मुलाजमत करते थे। तो फिर ये दादा मोहतरम ने इन्हें कहा जी आप अपने गांव में आए। फिर करेला उन्होंने दफ्तर जो दफ्तर है हमारा वहां पे इन्हें एक कमरा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है किसी भी इंसान के एक बड़ा शहर छोड़ के जहां मौके भी ज्यादा है, जहां तरक्की के भी बहुत ज्यादा मौके, बच्चों के लिए भी अच्छा माहौल है, तो बहुत कम लोग मैं समझता हूँ कि इस तरह की कुर्बानी दे। तो ये डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि जब मरीज की उस नब्ज पे हाथ होता था तो सियासत की नब्ज पे भी बड़े साहिब राय इंसान थे, मुस्बत सोच वाले इंसान थे। और बाकी बराजियों से भी इनका बड़ा एक रिश्तेदारी भी थी और एक बड़ा तवाजन का इन्होंने मैं समझता हूँ ख्याल रखा। वो जैसे कहते हैं कि खाने में उसके पास जो मीठे वाला काम, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ये उसका ये मीठे वाला काम करते थे। कल इसी वक्त बिल्कुल 11 बजे मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो मैं थोड़ी देर रुका, मेरा अपना है कि मरीजों के पास कम टाइम रुका करें। तो ये डॉक्टरों को भी यकीन नहीं आया, हमें भी नहीं आया कि इतने जल्दी चले जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी मफ़त करे। इतनी ज्यादा खूबियों वाले मैं समझूंगा हमारे जैन शख्सियात हमारे यहाँ बहुत कम रहे। इनका ये जब 1947 में हिजरत करके आए, उस इलाके से भी इनकी जो वाकफियत, इस इलाके से भी जो वाकफियत थी, लोगों के जो वाकफियत थी, मैं समझता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया थी, इंसाइक्लोपीडिया और मुस्बत सोच, शफीक इंसान थे, हमेशा अपने बच्चों के साथ शफकत, अपने बड़ों के साथ शफकत, हमारे साथ शफकत। तो ऐसे इंसान एक बड़ा खला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत फरमाए और यकीनन अपनी खूबियों की वजह से अल्लाह ताला यकीनन इन जैसे लोगों की मोहब्बत फरमाता है। और आगे मैं समझता हूँ कि शायद मेरा अपना भी यकीन है कि इस तरह के लोग यकीनन उस जो आला मकाम में आगे इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये हमारे इस माशरे के लिए, इस फैमिली के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा खला है। अल्लाह ताला ये खला पूरा करने की हिम्मत दे। इन्हीं अल्फाज़ के साथ इजाज़त, बहुत बहुत।